तो आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम वीडियो पे रिएक्ट करेंगे। मोस्ट इंटरेस्टिंग लग रही है मुझे ये इंडिया वर्सेस पाकिस्तान बाइकर गर्ल्स और ये कंपैरिजन है दोनों के बीच में। तो यार सबसे पहले तो ये है कि मोर पावर टू ऑल दी गर्ल्स जो कि बाइक्स चलाती हैं, स्कूटी चलाती हैं, अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करती हैं। क्योंकि इंडिया में तो मैंने काफी सारे लोगों को देखा हुआ है जो कि बाइक्स मतलब लड़कियां स्कूटी चला रही हैं, बट हियर इन पाकिस्तान ये चीज हमें इतना नहीं देखने मिलती, मतलब देखने ही नहीं मिलती है। बट एज जैसे अब टाइम जाता जा रहा है, 21 आ गया है, तो पीपल आर नाउ स्टार्टिंग यूजिंग स्कूटीज एंड बाइक्स। इवन हमारे यहाँ जो गर्ल्स वो अब बाहर निकल रही है बाइक्स और स्कूटीज के साथ फैमिली को कि वो उनको अलाउ करते हैं कि वो बाइक्स पे और ऐसे भी लड़के नहीं बल्कि लड़कियां भी कर सकती हैं। और मतलब मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आती है, मेरी खुद भी खुश है उनको देख देख कर ना, हमें भी होता है, आपके सामने वाले को भी मोटिवेशन मिलती है, उनको देख देख हमारे दिल में भी होता है हम भी करेंगे, हम भी करके दिखाएंगे, अगर सब निकल तो हम क्यों नहीं। इंशाल्लाह हमारा भी कभी ऐसा ही होगा कि सब लड़कियां ही चलेंगी अपनी अपनी बाइक्स पर। Now I got some confidence to call me cocky.
पाकिस्तान सबसे पहले तो, क्योंकि इंडिया में ये चीज़ नॉर्मलाइज है और मैं इस चीज़ के लिए इंडिया को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ कि उन्होंने लड़कियों को भी कमज़ोर नहीं समझा है एंड वुमेंस भी जो है वो बाहर आके इस तरीके से बाइक स्कूटीज चलाती हैं तो वो चीज़ लोगों के लिए बहुत नॉर्मल है. लाइक पीपल अपने काम से काम रखते हैं, कोई गाड़ी वाला या दूसरा बाइक वाला भी जा रहा है तो आप इसको उस तरीके से देख नहीं रहे होते. बट इन पाकिस्तान मेरा वुमेन कम्स आउट और वो बाइक्स और इस तरीके की चीज़ें लेकर आती है तो कहीं ना कहीं एंड दिस इज़ अ बेटर ट्रुथ कि आपको लोग देखते हैं कि मतलब ये क्या आ गया है, कुछ नहीं आ गया है. कमेंट्स पास करना हो लड़की बाइक चला रही, मतलब इसमें कौन सी बड़ी बात है यार, लड़की अगर घर और ना अपना काम जॉब वगैरह दोनों संभाल सकती तो वो बाइक भी संभाल सकती है. बिल्कुल, तो लड़कियों को भी इस चीज़ में बहुत ज़्यादा आगे होना चाहिए एंड आई रियली वॉन्ट कि इस तरीके की चीज़ें हो कि हम उसको नॉर्मलाइज करें और जब लड़कियां भी बाहर निकलें तो वो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बाहर जा सकें. लाइक इंस्टेड ऑफ के ना 10 लोग उनको पीछे मुड़ के देख रहे होंगे वो लड़की चला रही है, क्योंकि नॉर्मली रास्तों में जो ना वो मेल जेंडर जब आप बाइक चला रहे होते हैं तो बिल्कुल नॉर्मल लगता है. अगर हम भी देखते हैं ना दीदी मुझे लड़का बाइक चला रहा है. एग्जैक्टली, ये जो डिफरेंस है ना इसको बिल्कुल इक्वल करना है. और मुझे इतना अच्छा लग रहा था कभी वेरी ऑन ऐसी वीडियो देखते हुए भी कि लड़कियाँ अपनी मर्जी से खुशी खुशी इतने कॉन्फिडेंस के साथ में बाइक चला रही थी. वो भी हैवी बाइक्स थी, इवन छोटी छोटी बच्चियाँ भी अपने भाई बहनों को लेके बाइक्स पे जा रही थी. देट वॉज वेरी अप्रिशिएबल, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा देख के. और जो है ना हम क्या बोलते हैं, हमें इस तरीके की चीज़ों को और आगे लाना चाहिए क्योंकि एक तरीके से ये अच्छा भी है. जहाँ पर ऐसी कितनी सारी फैमिलीज हैं, इवन हम भी जैसे कोई गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और आप बाइक्स जो है ना वो अगर ले सकते हो तो ये एक इस तरीके से अच्छी चीज़ है कि कभी कभार ऐसे किसी की फैमिली में कोई मेल जेंडर नहीं होता, ठीक है, किसी के फादर नहीं होते, किसी का कोई भाई नहीं होता और वेरियस क्या आधी रात को या कुछ भी आपकी कोई इमरजेंसी होती है, कुछ भी होती है, आपको कहीं जाना पड़ता है तो आप अपनी बाइक
पॉइंट पे लेकर किसी को जा सकते हो, ठीक है? Exactly, ये भी पॉइंट जरूर है, ये पॉइंट बाकी है। कोई मेल जेंडर नहीं है तो लड़कियां ही मेल जेंडर का रोल प्ले कर रही होती हैं, तो आप भी बाइक लेकर जो है निकल सकते हो बिल्कुल। तो ये सब चीजें आप लोगों को आनी चाहिए, बिल्कुल ये इम्पोर्टेंट होती है सारी। अच्छा वैसे सही कहा महक ने कि यहाँ पाकिस्तान में इतना कुछ नहीं है, फिर भी मुझे पाकिस्तान बहुत अच्छा देखने को मिला कि लोग अपनी यहाँ से वहाँ जा रहे हैं। मुझे बहुत बड़ी बात है क्योंकि मैंने अभी तक इतनी लड़कियों को नहीं देखा कि यहाँ से यहाँ ट्रैवल कर रही है, पर यहाँ मुझे देखने को मिला है। थैंक्स टू जिसने वीडियो बनाई ताकि हमें पता चले, इनको देखकर हमारे अंदर कॉन्फिडेंट आए, मोटिवेशन मिले ताकि हम लोग भी जा सकें, और ये अगर दूसरे लोग देख रहे तो उन पर भी आए ताकि वो लोग स्टेप उठा सके। और जहाँ तक महक ने पूरा ही कम्प्लीट कर दिया कि वो मतलब लोगों के काम आ सकते हैं, अपने घर चला सकते हैं, बहुत सारे रीजंस हैं, पर यहाँ पर हैवी बाइक्स उठाना, और मैंने वो देखा है लोगों को जब बाइक आती है ना तो एक कुछ ज़्यादा उनपटन हरकतें भी शुरू होती कि उसको ना अप ले लेना, हाई ले लेना, तो ये काफ़ी रिस्की लगता है कि जिस काम के लिए आपको जो चीज़ मिली है उसी चीज़ पर आप इस्तेमाल करो, ना कि लड़की लड़के की बात भी कर रही हूँ मैं, आप उसी चीज़ पर इस्तेमाल करो, बिकॉज आपका होना आपको खुद के लिए इम्पोर्टेंट बेशक ना हो पर आपकी फैमिली के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो आप लोग सब। तो ये आप अपनी जान का जब भी ऐसा कुछ कोई उनपटन हरकतें करो तो गाइस प्लीज अपनी फैमिली के बारे में सोचो। बाकी मैं इंडिया हो या पाकिस्तान, मैं दोनों को बहुत अप्रिशिएट करूंगी, जिस तरह कॉन्फिडेंस से इंजॉय से लोग ना बाइक चला रहे थे, मतलब मैं बोलूँ ना आउटस्टैंडिंग, ठीक है? मेरा बस यही है जिस तरह हम लड़कों को देखकर नहीं रिएक्ट करते ना कि बाइक चला रहा है हाँ चलाता है, तो इस तरह हमारे यहाँ पर भी ऐसा ही हो, लड़की बाइक चला रही हाँ चला रही, तो इस तरह की थिंकिंग होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए हर जगह पर। और ये मैसेज है ना खास करके उन कुछ उन लोगों के लिए, कुछ उस पार्ट के लिए है जो ये समझते हैं कि ये चीज़ गलत है, और हम ये ना अपने अगर बोल भी रहे ना एस वी पाकिस्तानी हम अपने पाकिस्तान की बुराई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे हर कंट्री पे ना नहीं ऐसा नहीं कि हम रहते हैं तो हम उनकी बुराई नहीं कर सकते, मतलब जो हमें कंट्री मिला है हम उससे प्राउड फील करते हैं, वी आर प्राउड टू बी पाकिस्तानीज, बट वी शुड हैव एक्सेप्टेंस होनी चाहिए इस चीज की कि आपकी कंट्री क्या चीज गलत है और क्या चीज सही है, उसको हमें आगे स्पीक आउट करके बोलना चाहिए। तो ये सिर्फ उस एरिया तक के लिए लोगों के लिए है जिनको लगता है कि ये चीज गलत है या इस चीज को वो अलाउ नहीं करते, क्योंकि पाकिस्तान में एक ऐसा भी पार्ट है जहाँ पर इस चीज को मोटिवेट किया जाता है। इवन हमारे पाकिस्तान में खुद भी एक माउंटेन गर्ल है, बाइक गर्ल है, माउंटेन बाइकर गर्ल, तो उन चीजों के लिए हम उनको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बट दिस इज स्पेसिफिकली फॉर कुछ एरिया क्लियर रहना चाहेंगे, बिल्कुल। तो उन लोगों के लिए ये चीज थी, बाकी दोनों को दोनों इंडिया एंड पाकिस्तान का दोनों अप्रिशिएट करते हैं उनकी हर एक्स्ट्रा और भी चीजों के लिए जो हमने हमेशा से की हैं। एग्जैक्टली एक होती है ना खुशी, जब इंसान कुछ करके दिखाते हैं खुशी, वो इन सबके चेहरों पे मिले, चाहे इन्होंने हजार बार किया हो पर वो एक स्माइल होती है ना बाइक चला रहे वो एक खुशी, मतलब सब लड़कियों मैंने देखी ये, मैं लिटरली उनकी खुशी देख के बोल सकती हूँ आई रियली अप्रिशिएट ऑल दीज गर्ल्स। एंड गाइस हम यहाँ एंड करते हैं, अगर हमारी कोई बात या कुछ चीज आपको बुरी लगी हो तो गाइस प्लीज अपोलोजाइज एंड प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।